Nestle Nesfruta in mango flavor. I just love it. Nestle, good food, good life. Yes, you are having fun, guys. और एक बंदा है हमारा. हाँ जी भैया, सीधा. Narham, are you having fun? नहीं लेके जाएगा, वो लेके जाएगा. हाई देयर गाइस, हाउ आर यू ऑल. आप लोगों की आई होप कि ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी. हमारी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी और बहुत मज़ा आया. ईद के तीनों दिन, ये है ईद का थर्ड डे, और थर्ड डे पे शावेज़ की बर्थडे थी. यहाँ पर मैं आपको बर्थडे के क्लिप्स थोड़े से जो मैंने कैप्चर किए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ. कोको मैरन थीम थी और फार्म हाउस पर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट की थी. शावेज़ मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता, शावेज़ अरहम का कज़न है, अरहम के चाचू का बेटा. ठीक है, तो अभी यहाँ पर गेस्ट वगैरह नहीं आए, उससे पहले का मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ. ओके, सो अब है नेक्स्ट डे और हम लोगों ने ज़रा चंदा जमा किया और 6000 हम लोगों ने बजट बनाया और अब हम जा रहे हैं मरी. ठीक है, हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं तो मरी जाना हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं. तो अब 6000 में हमने 2500 का फ्यूल सबसे पहले डलवाया और उसके बाद हम लोगों ने रास्ते के लिए थोड़े बहुत यू नो रिफ़्रेशमेंट्स ली ताकि रास्ते में हम इन्जॉय करें. सो ये है मेरी हस्बैंड की फूफो और उनकी सिस्टर. ठीक है, तो अब ये लोग ज़रा जूस सर्व हो रहा है और थोड़े से हम लोग चिप्स वगैरह खा रहे थे. ठीक है, तो रास्ते में बहुत मज़ा आ रहा था, साथ म्यूज़िक इन्जॉय किया. अभी जो वेदर है वो थोड़ा सा गर्म था, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शाम हो रही थी मौसम बहुत अच्छा होता जाएगा. तो आप लोग देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको सारी वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी. ठीक है, तो अब 6000 में से हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट ले ली है और फ्यूल डलवा लिया है. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना बजट रह गया है जिसमें हम लोगों ने खाना भी खाना है. और ये शावेज़ है, ठीक है, जो मेरे साथ बैठा हुआ था. अच्छा, सबसे पहले हम लोग शंग्रीला वाटर पार्क गए. यहाँ पर हम लोग पहले भी गए हुए हैं, तो यहाँ पर यह कि एक अच्छा वाटर स्पॉट है, यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं. लेकिन हम लोगों ने पहले यहाँ का प्लान बनाया, फिर हमने सोचा कि इस दफ़ा कोई और नई जगह एक्सप्लोर करते हैं. तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे. ठीक है, और वेदर अब आप देखें हल्का हल्का सा क्लाउडी हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. अच्छा, अब हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं. आपको पता है इस्लामाबाद से इतना ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है मरी का, बट यहाँ पर हम लोग एक चैलेंज के साथ गए थे कि हम लोगों ने 1500 सबसे लिए और टोटल हमारा 6000 बजट बन गया. तो इसमें ये था कि हम लोग थोड़ा मज़ा भी आ रहा था कि हम लोगों ने ज़रा सोच के खर्च करना है. तो अच्छा, यहाँ पर क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको क्लिप दिखाया कि शावेज़ की बर्थडे थी तो उसका हम लोगों ने खाना बनवाया था, जो बिरयानी थी और साथ कोरमा था, वो हमारा खाना बच गया था जो. तो हम लोग अपने लिए कोरमा तो नहीं लाए लेकिन बिरयानी हम लोग साथ ले आए थे. तो अब हम लोग कोई स्पॉट ढूंढ रहे थे जहाँ पर बैठ के कि हम अपनी बिरयानी एंजॉय करें. तो हम लोगों को बस एक ये स्पॉट सा नज़र आया जहाँ पर हम लोगों ने अपनी बिरयानी और बिरयानी हम लोगों ने रास्ते में एक खोखा आया था जहाँ से हम लोगों ने अपनी बिरयानी को गर्म करवा लिया था. तो अब हम लोग गर्मा गर्म बिरयानी इंजॉय करेंगे. इतनी मज़े की बिरयानी हो गई थी कि दिल चाह रहा था और बिरयानी खाने का, लेकिन हम लोग थोड़ी कम बिरयानी लेकर आए थे. तो शावेज़ और उसकी मामा हैं, ये पुप्पो हैं, और ये अरहम की पुप्पो हैं, और ये है हमारा ड्राइवर, ठीक है, जो मेरे हस्बैंड के भाई हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मौसम, अब हम लोग बिरयानी खा कर निकले तो इतना दिल चाह रहा था कि जल्दी से हमें चाय मिल जाए और चाय के साथ हमारा दिल चाह था कि पकोड़े खाने का. बट पकोड़ों का क्या सीन हुआ अभी आप लोग देखे आगे जाकर कि हमें पकोड़े जो हैं वो दस्तयाब होते भी हैं या नहीं होते. सो पहले तो आप ज़रा मौसम चेक करें, इतना अखीर लेवल का मौसम था कि बस हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है. और मौसम अच्छा हो तो आपको यू नो वैसे ही आपका मूड अच्छा हो जाता है. तो अच्छे मौसम का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया और अब हम लोग देख रहे हैं. अच्छा, यहाँ पर पहुँचने के बाद
हम लोग अब ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग जाएं माल रोड की तरफ या फिर यहीं पे जो आपके राइट साइड पे स्पॉट्स आते रहते हैं, वहाँ पर हम लोग यहीं पे कहीं पे चाय इन्जॉय कर लें। तो अभी तक ये रास्ते में बहुत ही प्यारा एक गेस्ट हाउस आया था, लेकिन हम लोगों ने अभी आगे सोचा कि चलो चलते हैं माल रोड की तरफ और वहीं से हम चाय इन्जॉय कर लेंगे। लेकिन हम लोग वैसे काफ़ी आगे तक गए भी, लेकिन फिर वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग जाते हैं माल रोड तो हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे। और 6000 के साथ हमारा एक चैलेंज ये भी था कि 12 बजे से पहले पहले हम घर आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा लेट हम लोग नहीं करना चाह रहे थे। तो अब भी तो खैर हम लोग फिलहाल जा रहे हैं, और आपको पता है माल रोड के लिए बहुत ज़्यादा रश होता है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो माल रोड ज़रूर जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक जगह रुकते हैं ब्रेड एंड बटर पे, और यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि वापस ही चलते हैं, आगे नहीं जाते क्योंकि बहुत लेट हो जाएंगे। तो ब्रेड एंड बटर पे हम लोग जाके देख रहे हैं कि कोई हमें चाय के साथ मज़े के स्नैक्स मिल जाए यहाँ से। तो और वो भी हमने अपना बजट देखना था और उसके अंदर ही हम लोगों ने लेना था। खैर इतनी कोई वो नहीं थी हम लोगों को, लेकिन आज हम लोगों का चैलेंज था तो हम लोगों ने कहा नहीं नहीं अब इसको फॉलो करना ही करना है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को ये बहुत ही मज़े का एक अच्छा सा हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे थे कि चाय के साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ चाय है आपको, और साथ हमारा पकोड़े खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था, बट उनके पास कोई भी ऐसी स्नैक्स कुछ भी नहीं था, फ्राइज़ भी नहीं थे इवन के, क्योंकि अगर हम फ्राइज़ खाते हैं उसके लिए फ़्राइज़ भी नहीं थे, सिर्फ चाय थी। तो चाय के साथ मैंने और हमने अपने लिए पेस्ट्रीज़ ले ली थी ब्रेड एंड बटर से, और हम लोगों ने चाय के साथ एक सस्ता स्नैक ख़रीदा था जो कि था, अभी मैं आपको चाय के साथ दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये एक बहुत ही प्यारा सा झूला भी लगा हुआ था और साथ साथ हम वो भी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारी चाय आ गई और चाय इतने मज़े की थी, और यहाँ पर बहुत ठंड हो रही थी, बच्चों को तो बहुत सर्दी लग रही थी। तो ये हमारा सस्ता स्नैक जो कि थी निम्को और चाय, हम लोग इंजॉय की यहाँ पे बारी बारी, कभी एक कोई स्विंग में बैठा था कभी कोई। लेट्स गो। और ये यहाँ का वेदर एनवायरनमेंट इतनी अच्छी थी, बिल्कुल मुनाल टाइप की यहाँ पे वाइब्स आ रही थी। तो शावेज़ इधर सो गया था और अरहम और हमज़ा जो हैं ये लोग अपनी एक्टिविटीज़ इंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, अब हम लोग अपने पैसे गिन रहे थे कि बचे कुछ पैसों से हम लोग कुछ खाना खा सकें। तो खाना हम लोगों के पास जो बचा वो सिर्फ रोल पराठे का बजट हुआ। सो गाइज, आफ्टर इन्जॉइंग रोल पराठास आर चैलेंज कम्प्लीटेड, क्योंकि हमारे पास 100 रुपीज़ बच गए हैं और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और अगर आप लोगों ने भी इस वीडियो को इन्जॉय किया हो तो काइंडली प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो।